मैं तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। भले कहें, सियाचिन से लेकर नगर पार तलक सारे पाकिस्तान में सेंटर है होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। ना जात पात ना मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को। मैं हूं अब्दुल सत्तार एहदी, मैं हूं पाकिस्तान। मुझे मरीजों से बहुत शौक और एम्बुलेंस चलाने का, तो मैं एम्बुलेंस सर्विस भी सीखी, एक एम्बुलेंस ली। मैंने जिंदगी में एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलाई। 48 साल मैंने एम्बुलेंस चलाई, लावारिसों को उठाना, अस्पताल में छोड़ना और अस्पताल से घर छोड़ना। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगूं, यह भी मेरी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं, तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पे खड़ा रहकर भीख मांगी। थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। एक आदमी ना पढ़ा लिखा है ना इनके पास पैसा था, लेकिन पैसा भी आता गया, लोगों ने मदद भी की, अल्लाह मियां ने मदद की। ये जो कुछ भी है आज अल्लाह पाक की मदद की वजह से हम हैं। हमारे ईदी साहब ने तो खैर तमाम स्कूल इस वजह से खोले हुए कि बच्चियों में शऊर हासिल हो, ताकि आगे जाके अपने बच्चों को सही तालीम दे सकें। तमाम दीनी तालीम भी दी जाती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है, हर तरीके से हर तौर तरीके उनको समझाए जाते हैं। 375 सेंटर हैं, सेंटरों में झूले रखे, झूले में डाल दो जिस हालत में हो, तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा। ये बच्ची बीमार मिली थी, 1 साल की थी, और अभी ये 2 साल की 2.5 साल की हो गई है, लेकिन है ना इसमें आखिरी सांस था तो ये बच गई, तो इसका नाम अल्लाह बचाई रखा है हमने। घरों में बूढ़ों की इज्जत नहीं, तालीम याफ्ता हो गए तो इंसान नहीं बने, निकाल देना। रोज के रोज 5-6 बूढ़े मेरे पास पहुँचते हैं। दीदी साहब ने कभी घर नहीं बनाया, ना उनको घर बनाने की तमन्ना है। सारा दिन नीचे बैठे रहते हैं, सारी रात नीचे बैठे रहते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं। सिंस आई हैव कम टू लिव इन कराची, आई केम टू नो वेरी मच अबाउट दिस वेल नोन एंड नोबल पर्सन एंड सिंपथाइजर विद ऑल पीपल हु आर इन ट्रबल। हमारे पास हर एज ग्रुप के अलग अलग वार्ड्स हैं, बच्चों के लिए अलग हैं, टीनेजर के लिए अलग हैं, एजेड के लिए अलग हैं, और जो बिल्कुल मेंटली रिटार्ड हैं या पागल कह सकते हैं जिन्हें, उनके लिए हम लोगों ने अलग वार्ड बनाया हुआ है। जितने भी बाहर के एनजीओ हैं ना, सब ने हमको ऑफर किया आप हमसे ग्रांट ले लो। बोलता था मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों से ग्रांट लूँगा और पाकिस्तानी मेरी मदद करेंगे, मेरे काम को पसंद करेंगे तो मैं काम करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मुझे सैकड़ों अवार्ड मिले, 250 के करीब, टोटल इनकम 75 करोड़ रुपये। कहीं भी दुनिया में इमरजेंसी होती है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिया। हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, मुफलिसी बहुत है, दौलत की तकसीम गलत है, फजूल खर्ची करने वाला की तादाद बहुत है। 6,000 नौकरी है करीब की, तो दिन में 3-4 पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट की डब्बी 100 की नोट निकालता है। कहाँ से गरीबी मिटेगी, कहाँ से कोई इनकलाब आएगा, कहाँ से शऊर पैदा होगा? मैं इसको उजागर करता हूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कहीं से भी इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो भी काम करते हैं करें, पाकिस्तानी जैसी कौम दुनिया में कोई नहीं। कुर्बानी कीजिए ईदी के साथ। बलोचिस्तान के जलजला जदगान की मदद के लिए अभी कॉल कीजिए 0207-723-2050। कुर्बानी कीजिए ईदी के साथ। बलोचिस्तान के जलजला जदगान की मदद के लिए
अभी कॉल कीजिए 0207723205।